अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आए हम शुरू करते हैं और साथ साथ पढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। तो वो सिंपली आपके प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई वगैरह, मॉडुलस वगैरह होते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसका कोड करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा मेन। लिखने के बाद यहाँ पर मैं इंट ए ही लूँगा और यहाँ पर इसको मैं इज इक्वल टू 20 कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं बस सिंपली प्रिंट करूँगा और यहाँ पर ए प्लस बी कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको बी कर दूँगा, ठीक है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँगा, इसको यहाँ से माइनस कर दूंगा, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड और इसको मैं मॉड्यूलस कर दूंगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। तो ये देखिए नीचे आपका रिजल्ट भी शो हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इससे अगले वाले ऑपरेटर्स के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, देखें यहाँ पे फिर से मेन लिखूँगा। मेन लिखने के बाद अब मैं इस बार यहाँ पर क्या लूँगा, इंट ए लूँगा, ठीक है। और बस यहाँ पे मैं कर दूँगा प्रिंट एफ और यहाँ पर मैं ए डाल दूँगा और इसको मैं प्लस प्लस कर दूँगा। इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। और इसको मैं वैल्यू दे दूँगा 20 और इसी तरह से इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। इसको कहते हैं प्री फिक्स इंक्रीमेंट और इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट और इसको कहते हैं प्री फिक्स डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो लाइन है ये 21 कर देगी, इसको ये भी 21 करेगी, ठीक है। तो ये माइनस कर देगी और ये भी माइनस करेगी। फ़िलहाल आप इतना समझें, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें 20 22 22, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या, इसके अंदर ये जो लाइन होती है ना, ये वाली, ये जो ए प्लस प्लस है ना, ये पहले वैल्यू असाइन होती है बाद में इंक्रीमेंट होता है। इसका मतलब है कि पहले इंक्रीमेंट करो बाद में असाइन करो, ठीक है, कुछ इस तरह से मतलब होता है। ये पहले वैल्यू असाइन होती है बाद में इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होगा, और ये पहले डिक्रीमेंट होगा बाद में वैल्यू असाइन होगी। तो इसका असल मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, इसको भी एक्स, ओके। तो अभी हम अपना अगला जो है ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। तो फिर से मैं मेन लिखूँगा, मेन लिखने के बाद यहाँ पर मैं इंट ए लिख देता हूँ, ओके, इज इक्वल टू 20 कर दूँगा और इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके इसको 30 करके इसको मैं बी कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट क्या करता हूँ, ए प्लस इक्वल टू बी। तो इसको हम कहते हैं ऐड एंड असाइन, ठीक है। पहले ये वैल्यू को ऐड करता है फिर असाइन करता है। तो ये इज इक्वल टू कुछ इस तरह से भी होता है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो अभी इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर वैल्यूज़ डालता हूँ। इसको जब माइनस डाल दूँगा तो ये माइनस एंड असाइन हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड असाइन हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड एंड असाइन होगा, लेकिन इसको आपको यहाँ पर ये टिल्ड साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ये जो है काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडुलस एंड साइन इसको कहते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट और इसको कहते हैं राइट शिफ्ट, ओके। और इसके बाद एक यहाँ पर होता है, इसको आई थिंक कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम बिट वाइज एक्स एक्सक्लूसिव और, ओके। और इसी तरह से एक होता है इनक्लूसिव और।
तो यहाँ पर एक साइन लगता है और ये बन जाता है बिटवाइज इंक्लूसिव और ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। तो इसके अंदर हम एक और पढ़ते हैं अभी ऐसे। तो ये अकेला होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये होता है ऐड एंड असाइन, ये होता है सब्सट्रैक्ट एंड असाइन, ये होता है मल्टीप्लाई एंड असाइन, ये होता है डिवाइड एंड असाइन, ये होता है मॉडुलस एंड असाइन, ये होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन, ये होता है राइट शिफ्ट एंड असाइन। तो ये असल में ये काम करते होते हैं बिट्स पर, ठीक है। तो ये जो होता है ना, बिट्स को लेफ्ट में शिफ्ट करता है, और ये जो होता है ये बिट्स को राइट में शिफ्ट करता है, ओके। और ये जो होता है एक्सक्लूसिव और इसको कहते हैं, और इसको कहते हैं एक्स इंक्लूसिव और। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। तो इसको मैं करता हूँ इसको मैं मेन करता हूँ। मेन करने के बाद यहाँ पर int a इज़ इक्वल टू 202 और int b इज़ इक्वल टू 303। यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ, कंट्रोल जी किया, ओके। अब यहाँ पर हमारा जो होता है ना रिलेशनल ऑपरेटर, वो होता है a ग्रेटर देन b, ठीक है। इसी तरह से होगा a लेस देन b, a नॉट इक्वल टू b, ठीक है, ओके। a नॉट इक्वल टू b होगा, और यहाँ पर होगा हमारा a ग्रेटर देन इक्वल टू b, और यहाँ पर होता है a लेस देन इक्वल टू b, और यहाँ पर होगा हमारा हमारे पास होते हैं, मैंने देखा है हमारे पास होते हैं टेस्ट ऑपरेटर्स, यस टेस्ट ऑपरेटर्स। तो टेस्ट ऑपरेटर कौन से होते हैं, एज होता है, इज़ होता है और इज़ नॉट होता है, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इंट ए ले लेते हैं एक, वही सिंपली इंट ए लेंगे। यहाँ पर हम इंट बी ले लेते हैं एक, ठीक है। इसको ए इज़ इक्वल टू 20 कर देता हूँ, और यहाँ पर बी इज़ इक्वल टू 55 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ, और प्रिंट करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ। अब देखें, इसको मैं पूछता हूँ, ए इज़ स्ट्रिंग, ए इज़ स्ट्रिंग, ओके। अब मैं इससे पूछता हूँ, ए इज़ बूल, और इसी तरह से इसको मैं पूछ सकता हूँ कि अगर ये बी स्ट्रिंग होगा ना, इसको मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को मैं कर देता हूँ माय वैल्यू। तो अब मैं इसको पूछता हूँ कि बी है स्ट्रिंग, तो बी इज़ स्ट्रिंग, ठीक है। तो या मैं इसको पूछता हूँ बी इज़ डबल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा कि इज़ ऑपरेटर कि ये इसकी कौन सी डेटा टाइप है या नहीं। तो ए क्या है, इंट है। तो जब हम इसको पूछेंगे ना ए इज़ स्ट्रिंग, तो वो करेगा फॉल्स, यहाँ पर भी वो फॉल्स देगा, यहाँ पर भी फॉल्स, और यहाँ पर भी वो फॉल्स देगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको कंडीशन को चेंज करके यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा दूँ,
यहाँ पर नोट लगा दूँ, यहाँ पर नोट लगा दूँ और यहाँ पर नोट लगा दूँ। तो अब की बार ये हमें क्या देगा, ये हमें ट्रू देगा। ठीक हो गया, तो इसने ये हमें ट्रू दिया है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, एक होता है एज ऑपरेटर, ठीक है, तो ये भी ना टाइप कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम अपना बाकी का जो है वो कवर करते हैं काम। तो अभी हम यहाँ पर ना लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड और नोर, एंड और नोर, नोट कहते हैं इसको, नोट। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये ट्रू फॉल्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, अगर टू वैल्यूज़ हमारी ट्रू होंगी तो ये हमें देता है ट्रू। ठीक है, कौन देता है ट्रू, एंड। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो हमारा और होता है ना, और ये क्या करता है कि अगर हमारी एक वैल्यू भी ट्रू होगी ना तो वो हमें देता है ट्रू। ओके, इसी तरह से ये जो होता है ना हमारा नोट होता है, जो ये ट्रू को फॉल्स कर देता है और फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, आइए अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भूल लूँगा भूल। ओके, ए ले लूँगा, या मैं नम वन कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर मैं कर देता हूँ नम टू। ठीक है, अब मैं इसको दोनों को मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इनको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करूँगा, यहाँ पर मैं पूछता हूँ ए ए एंड बी। ठीक है, मैं उसे पूछता हूँ ए एंड बी। ठीक है, या हम इसको ख़त्म करते हैं और इसको दूसरी तरह से करते हैं, एक मिनट। तो इसको हम करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं लेता हूँ इंट ए और यहाँ पर मैं लेता हूँ इंट बी। ठीक है, सिंपल हम इसको करेंगे 202, इसको 202। ओके, अब देखें यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं कर दूँगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, या मैं कर देता हूँ ए ग्रेटर देन बी एंड ए लेस देन बी। ओके, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर मैं थ्री कर देता हूँ, यहाँ पर टू कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ए अगर ग्रेटर देन बी है एंड लगाया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एंड बी लेस देन ए, तो वो क्या रिटर्न करेगा अगर मैं इतना इसको एग्जीक्यूट करूँ, तो वो हमें रिटर्न करेगा ट्रू। तो उसने क्या रिटर्न किया, उसने किया है ट्रू। देखें तो ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर टू वैल्यूज़ आपकी ट्रू होती हैं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, ए ग्रेटर देन बी है एंड बी लेस देन ए है, तो उसने क्या किया, हमें ट्रू रिटर्न किया है। ठीक है, अब इसी तरह से अब अगर मैं इसको फॉल्स करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर इसकी वैल्यू को बढ़ा दूँ तो अब ये हमें फॉल्स को रिटर्न करेगा, क्योंकि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर करूँ, किसका इस्तेमाल करूँ, और का, तो अब देखें उससे मैं पूछ रहा हूँ ए ग्रेटर देन बी हो, ठीक है, या बी लेस देन ए हो, कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो हमें ट्रू देगा। फॉल्स, ओके, तो देखें यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ओके बी लेस देन ए कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो उसने हमें फॉल्स दिया। ठीक है, क्यों उसने फॉल्स दिया है, तो ए ग्रेटर देन बी नहीं है। ठीक है,
तो हम इसको क्या कहते हैं कि ए ग्रेटर देन बी, तो ये तो नहीं है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ ए इज़ लेस देन बी, तो अब ये हमें ट्रू देगा। तो देखा, उसने हमें ट्रू दिया। तो बताने का मकसद ये है कि इसके लॉजिकल जो होता है ना और ऑपरेटर, उसके अंदर एक भी वैल्यू अगर ट्रू हो जाए तो आंसर आपका ट्रू आता है। तो देखें, ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी तो नहीं है ना, आप इधर देखें, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। लेकिन तो उसने क्या दिया था हमें, फॉल्स। लेकिन जब उसने देखा ए लेस देन बी, ये कंडीशन चेक करो, तो ये कंडीशन ट्रू थी, तो उसने हमें ट्रू दे दिया। ठीक है, इसी तरह से अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ ए नॉट इक्वल टू बी, तो अब ये क्या करेगा, ये हमें देगा, देखें, ये उल्ट कर देता है, ठीक है, सच को झूठ कर देता है और झूठ को सच कर देगा। तो अब देखते हैं हम, तो इसने कहा ट्रू, तो हमारा ए जो है वो इक्वल टू बी के नहीं है, ठीक है, तो उसने क्या किया, हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर टेस्ट कंडीशंस तो हमने पढ़ ली हैं, तो अभी मैं आपको बताता हूँ डॉट के कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर हम मेन लिखेंगे, मेन लिखने के बाद यहाँ पर मैं देखें फिर से इंट ए लूँगा, ए इज़ इक्वल टू 20 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लूँगा इंट बी और उसको इज़ इक्वल टू मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैं प्रिंट लगाता हूँ, अच्छा, तो ये क्या करता है, देखें जो हमारी कंडीशनल ऑपरेटर होता है ना, वो होता है ये साइन होता है कुछ इस तरह से, सवालिया निशान होता है, ये दो कोलन होते हैं, उसके बाद कोई वैल्यू आती है, ठीक है, या आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये जो है ना एंड ऑपरेटर के ऊपर लगा के दिखाता हूँ। तो देखें, इसको आप कुछ इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, ये होता है इफ़ एल्स की तरह। देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, एंड बी जो है वो लेस देन है ए से, तो बात तो वही है ना, तो क्या हो, वो रिटर्न करे, तो वो रिटर्न करे, ठीक है, यहाँ पे ट्रू कर दे, यहाँ पे फॉल्स कर दे। ठीक है, तो अभी देखें आप, तो ये क्या हमें रिटर्न करता है, तो ये हमें रिटर्न करेगा फॉल्स। क्यों फॉल्स किया उसने, कि मैंने उससे पूछा था ए बी लेस देन ए, ओके, तो यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, ठीक है, अभी के लिए। तो अब ये कंडीशन क्या होगी कि ये इफ़ एल्स की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखें, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, तो ए ग्रेटर देन बी नहीं है, ए ग्रेटर देन बी नहीं है और बी लेस देन ए है, तो ये हमें फॉल्स देगा अभी के लिए। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, हमें इसने फॉल्स दे दिया, इसने हमें ना फॉल्स दिया। तो अब मैं इस कंडीशन को ट्रू करने वाला हूँ, ए ए लेस देन बी है, ए लेस देन बी है, और यहाँ पे मैं कर दूँगा बी इज़ ग्रेटर देन ए, तो अब ये हमें क्या देगा, हमें ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर देगा। तो देखा आपने, इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया है। ठीक है, तो ये थे डार्ट के अंदर ऑपरेटर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, तो मैंने कोशिश की है कि लेक्चर को जल्दी से जल्दी कवर किया जाए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।